नमस्कार साथियों, मैं हूं एलसी मीना। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में अब तक हमने वैदिक सभ्यता का कालक्रम, वैदिक सभ्यता के निर्माता, उनका मूल निवास स्थान, जिनको हमने विभिन्न विद्वानों ने कहाँ कहाँ उनका मूल निवास स्थान बताया था, एक बड़े मज़ेदार तरीके से उन्हें हमने याद किया था। अगर ये पिछले वीडियो आपने नहीं देखे भारतीय इतिहास के, तो आप उन्हें देख सकते हो। एवं बाद में हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता को जानने के स्रोत। वैदिक सभ्यता को जानने के स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हमने मृदभांड व अभिलेखों का अध्ययन किया है। एवं अब जो हम अध्ययन करेंगे वो है वैदिक सभ्यता को जानने के साहित्यिक स्रोत का। और प्यारे दोस्तों, वैदिक सभ्यता को जानने के जो साहित्यिक स्रोत है उन्हें ही हम वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। और इस वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथों को शामिल किया जाता है, जिनके बारे में आज हम चर्चा करें, तो सबसे पहले आता है स्थान वेद का। सबसे पहले वेद, वेद के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में स्थान आता है आरण्यक ग्रंथों का, आरण्यक के बाद में स्थान आता है उपनिषद। तो ये जो प्रमुख ग्रंथ है उन्हें हम वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपके प्रश्न होंगे, आपके दिमाग में ऐसे सवाल उठ रहे होंगे कि वेदांग है, वेदांग के बाद में मतलब पुराण है, ये किस में शामिल होते हैं। तो जो वेदांग है, महाकाव्य है, पुराण है, ये वैदिक साहित्य के अंग नहीं है, ये वैदिक साहित्य के बाद के अंग है। तो आपको पहला प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है, वो ये बनता है कि वैदिक साहित्य में अगर वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपके प्रश्न आता है कि वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन सा ग्रंथ शामिल है, कौन सा नहीं है। तो कौन कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये वैदिक साहित्य में शामिल है। अर्थात इनको मिलाकर हम वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है, इन सबको मिलाकर के। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनके बारे में, सब के बारे में थोड़ा सा पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वेद, संपूर्ण वैदिक सभ्यता को जानने के जो स्रोत है वो वेद है। और वेदों की जो संख्या है वो चार है। वेदों की संख्या कितनी है? चार है। इन वेदों को जो लिखा गया है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और ये जो संस्कृत भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये भाषा हमारे समझ में नहीं आई। आप कहेंगे सर समझ में कैसे नहीं आई? जैसे मैं कहूँ कि युद्ध, और युद्ध का मतलब होता था गाय, अब है ना लोचा, मतलब हम युद्ध लिखा हुआ है उसका मतलब होता था गाय। तो आपको ऐसे याद रखना है कि युद्धों में लिखा हुआ ज्ञान है उसको सरल रूप से, जिन ग्रंथों में उनका वर्णन किया गया है सरलतम रूप से, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से जाना जाता है। तो वेदों का सरल रूप से कैसा? सरलतम रूप से जिन ग्रंथों में वर्णन किया गया है उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और एकांत में जंगल में बैठ करके लिखे गए ग्रंथ आरण्यक ग्रंथ कहलाते हैं। एकांत में जंगल में बैठकर लिखे गए ग्रंथ आरण्यक ग्रंथ कहलाते हैं। और आरण्यक ग्रंथ है वो ब्राह्मण साहित्य के अंतिम भाग है। ब्राह्मण साहित्य के अंतिम भाग कौन है? आरण्यक। और इसीलिए आरण्यक में किसका वर्णन है? रहस्यात्मक व दार्शनिक विचारधारा का वर्णन मिलता है। आरण्यक में रहस्यात्मक व दार्शनिक विचारधारा का वर्णन मिलता है। इसके बाद में हम बात करें उपनिषद। उपनिषद तीन शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस नि प्लस सद से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना, या गुरु के समीप बैठना, या निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषद, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद कौन कौन से हैं, ठीक है, और इनके गद में कौन से पद में कौन से लिखे गए, कौन से उपनिषद में क्या बातें हैं, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। इससे पहले इनके बारे में डिटेल से पढ़े, उससे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले वेद के बारे में, वेदों के बारे में। वेद जो चार वेद है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हम बात करें वेद है वो विद धातु से बना है, वेद है विद धातु से बना है, और इसका जो अर्थ होता है वो है ज्ञान या जानना, ज्ञान या जानना, पहला प्रश्न। दूसरी बात करें कि जो वेद है वो श्रवण परंपरा पर आधारित होने के कारण
श्रवण परंपरा पर आधारित होने के कारण इन्हें श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। श्रुति, तो वैदिक साहित्य को ही श्रुति साहित्य के नाम से जाना जाता है श्रवण परंपरा पर आधारित होने के कारण। इसका मतलब क्या है कि वैदिक जो वेद है उनकी रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई, किसी मानव द्वारा नहीं की गई। ईश्वर ने यह ज्ञान देवताओं को दिया, देवताओं ने यह ज्ञान विभिन्न ऋषियों को दिया और विभिन्न ऋषियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसे अपने शिष्यों को कंठस्थ याद करवाया, उन्होंने उनके शिष्यों को कंठस्थ याद करवाया। अर्थात ये कहें कि जो वैदिक सभ्यता है उसमें लिपि का ज्ञान नहीं था, तो हम ये कह सकते हैं लिपि का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वैदिक साहित्य को हम आदि इतिहास में या वैदिक सभ्यता को हम आदि इतिहास में रखते हैं, आदि इतिहास में रखते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ लिखा तो गया है वेद, तो ये बाद में लिखे गए हैं, है ना, तो लिपि का ज्ञान नहीं था, अर्थात ये तो कंठस्थ याद करते थे पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, और बहुत बाद में हम कहें मौर्य काल के लगभग में आकर के बौद्ध काल जैन काल, मतलब इनका जो काल है 1500 से लेकर छठी ईसा पूर्व उसके बाद में ये लिखा गया, है ना, तो हमें कह सकते प्रारंभ में इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था, इसीलिए आदि। अब आदि इतिहास में क्या हमने पढ़ा था, इतिहास को तीन भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल और आदि इतिहास और इतिहास। प्राग इतिहास में हमने कहा था कि जहाँ ना तो लिखा गया ना ही पढ़ा गया, आदि इतिहास में हम उसे शामिल करते हैं जहाँ पे या तो लिखा गया हो पर पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा गया हो लिखा नहीं जा सका, ठीक है, और इतिहास में पढ़ा भी गया और लिखा भी गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक साहित्य आदि इतिहास में है। बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन रहता है, पहले मेरे भी कन्फ्यूजन था कि वेद है ना लिखे हुए, फिर बाद में हाँ लिखे हैं पर लिपि नहीं थी उस समय, मतलब लिपि लिखा ही नहीं थी उस समय, ठीक है, ऐसे आप याद करोगे। अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि श्रवण परंपरा पर आधारित होने के कारण इन्हें श्रुति साहित्य भी कहते हैं वैदिक साहित्य को। इसके अलावा इसकी रचना किसी पुरुषों ने नहीं की बल्कि ईश्वर ने इन्हें देवताओं को सुनाया, देवताओं ने विभिन्न ऋषियों को सुनाया और बाद में इनका संकलन किया गया। तो ईश्वरीय कृत होने के कारण इसे अपौरुष कहा गया, अपौरुष कहा गया। तो वैदिक साहित्य को ही अपौरुष कहा गया, वैदिक साहित्य को ही नित्य कहा जाता है। नित्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अटल सत्य है, इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहते हैं और नित्य भी कहते हैं। इसके बाद में बात करें कि कालांतर में, कालांतर यानी बाद में इन्हें लिपिबद्ध कर लिया गया, तब जा कर के वैदिक साहित्य इन्हें संहिता कहा गया, लिपिबद्ध हो गया उसके बाद में इसे क्या कहा गया, संहिता। तो कालांतर में वेदों को लिपिबद्ध कर दिया गया तब इन्हें संहिता कहा गया। अब लिपिबद्ध किसने किया, तो जो सुनी सुनाई बात कंठस्थ याद करते थे वो धीरे धीरे, मतलब एक व्यक्ति था जिन्होंने इनका संकलन किया, लिखा मतलब संकलन, क्योंकि लिखने वाला तो वो होता है जिन्होंने पहली बार लिखा, तो लिखा तो है ही नहीं मानव ने इसे, ये तो सुना था और सुनी सुनी बातों पर चल रहा था। तो इसका जो संकलन करता है ये मोस्ट है, संकलन करता वो कौन है, कृष्ण देपायन, महर्षि कृष्ण देपायन के नाम से जाना जाता है। तो महर्षि कृष्ण देपायन ने इनका संकलन किया, उसे बाद में नाम दिया गया वेदव्यास, वेदव्यास, क्योंकि उन्होंने वेदों का संकलन किया था, इसीलिए महर्षि कृष्ण देपायन को ही नाम दिया गया, कौन सा, वेदव्यास नाम दिया गया। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने अब तक पढ़ा कि वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान व जानना, श्रवण परंपरा पर आधारित होने के कारण श्रुति या ईश्वरीय कर्त होने के कारण अपौरुष, इसमें सत्य ज्ञान है इसलिए इन्हें नित्य कहा गया, कालांतर में इसे लिपिबद्ध किया गया तो इसे संहिता कहा गया, इसका संकलन करता महर्षि कृष्ण देपायन वेदव्यास के नाम से जाने जाते हैं, और जो वेद है वो कितने हैं, चार हैं। वेदों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, चार। इन चार वेदों में से हम सबसे पहले बात करें तो नंबर एक वेद है उसका नाम है ऋग्वेद, दूसरा जो वेद है उसका नाम है यजुर्वेद, तीसरा वेद है उसका नाम है सामवेद, और चौथा अथर्ववेद है। आपको क्या याद रखना है यहाँ पे इन चारों के बारे में, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ऋग्वेद,
के बारे में। तो मानव का या दुनिया का या मानव जीवन का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ माना जाता है, प्राचीन ग्रंथ वो कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद माना जाता है वो कौन सा है? ऋग्वेद माना जाता है। ये जो ऋग्वेद है इसका जो काल है वो भी सबसे प्राचीन है, तो कब तक है इसका काल भी हम ऋग्वेदिक काल के नाम से जानते हैं, इसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। इसकी रचना लगभग 1500 से लेकर के और 1000 BC में हुई। ऋग्वेद की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। अब ये इसके बाद में हम बात करें कि ये जो तीनों वेद है, ये वेद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। कब लिखे गए? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, और इनकी जो रचना का जो काल है वो माना जाता है 1000 से लेके 600 BC। पहली बात तो आपको इतना याद रखना है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि ऋग्वेद, बाद में आपको याद रखना है ऋग्वेद से लेकर के और सामवेद तक, ऋग्वेद से लेकर के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये जो तीन वेद है इन तीनों को प्रारंभिक वेद कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेद कहते हैं, और इन्हें वेद त्रय भी कहते हैं। वेद त्रय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो वेद त्रय किसे कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय के नाम से जानते हैं। इन तीनों को ही प्रारंभिक वेद कहते हैं। तो जो अथर्ववेद है उसे क्या कहा जाता है? उसे नवीन वेद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नवीन वेद के नाम से जाना जाता है। और अथर्ववेद है वो वेद त्रय में शामिल नहीं है। वेद त्रय में शामिल कौन सा वेद नहीं है? तो अथर्ववेद उसमें शामिल नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण इनके बारे में। अब हम एक एक वेद के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में, उसके बाद में हम अन्य जो महत्वपूर्ण वेद है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा वेद है ऋग्वेद। अब बहुत सारे दोस्तों को ये दिक्कत होती है कि गुरुजी याद नहीं होता। देखो मैं आपको ऋग्वेद में तो कोई ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, बाद में हम एक सारणी जरूर ट्रिक्स से याद करेंगे कौन से वेद के कौन से उपवेद है, कौन से विषय है, कौन से पुरोहित है, कौन से ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद कौन कौन से, वो मैं आपको ट्रिक द्वारा याद करवा दूंगा। लेकिन हम इन वेदों को मैं एक बहुत अच्छी तरीके से आपको याद कराऊंगा और आप मान जाओगे कि हाँ कोई ट्रिक्स बगैर भी हम याद कर सकते हैं। बस याद कराने की नियत होनी चाहिए, सारा कुछ याद कराया जा सकता है। अब आपको सबसे पहले बस कुछ नहीं करना, आपको एक बात रखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे के वैसे ही आप ऋग्वेद लिखोगे। जब भी पढ़ोगे जब आप ऐसे ऋग्वेद लिखोगे, हाँ लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं, उसके बाद में आपको इस साइड में ऐसे तीन ये बनाने हैं और आपको इस साइड में भी तीन ऐसे बना लेना है, उसके बाद में आपको इस साइड में ऐसे करके बनाने हैं, 1, 2, 3 और 4 ऐसा बना सकते हो, हाँ सर बना सकते हैं, तो फिर आप ऋग्वेद भी याद कर सकते हो। सबसे पहले बात करें कि मानव जीवन का सबसे प्राचीन जो वेद है, प्राचीन वेद, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद से। विश्व का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ माना जाता है वो कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की जो रचना है, रचना वो कहाँ हुई थी? पंजाब में। ये भी एक प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना कौन से क्षेत्र में हुई? सप्त सैंदव प्रदेश या पंजाब क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद के जो कोई समकालीन ग्रंथ है उसका नाम है, ईरानी ग्रंथ है, उसका नाम है जैंद अवेस्था। क्या नाम है? जैंद अवेस्था। तो ये ऋग्वेद का समकालीन भारोपीय भाषा में लिखा गया ईरानी ग्रंथ है जैन अवेस्ता। इसके बाद में हम बात करते हैं ऋग्वेद में विषय क्या है, अर्थात ऋग्वेद में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आपको याद रखना कि ऋग्वेद में हमें देवताओं की प्रार्थना व स्तुति का वर्णन मिलता है। देवताओं की प्रार्थना व स्तुति का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो ये इसके विषय हो गए। अब जो बात करें आगे, ऋग्वेद के जो पुरोहित है, पुरोहित वो क्या कहलाते थे, अर्थात देवताओं की जो स्तुति या प्रार्थना करने के लिए जो छंदों का प्रयोग करते थे या स्तुति करने वाला व्यक्ति था वो क्या कहलाता था? ऋषि था। वो क्या कहलाता था? वो होता या होतु कहलाता था। होता या होतु कहलाता था।
ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम इधर बात करेंगे तो ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं, वैसे तो 5 शाखाएं मानी गई है ऋग्वेद की, वैसे 5 शाखाएं मानी गई है। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग शाखाएं भी आगे जा करके अलग ग्रंथों में मिलती है, लेकिन हम लोकप्रिय इसकी 3 शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली शाखा है उसका नाम है साकल, दूसरी शाखा है उसका नाम है बालखिल्य, तीसरी शाखा है उसका नाम है बासकल। आप इन्हें ऐसे भी याद कर सकते हो, साकल, बालखिल्य, बासकल, ये क्या है, ऋग्वेद के 3 भाग है, ऋग्वेद के 3 भाग साकल, बालखिल्य और बासकल। आप याद रखना, साकल में जो सूक्त है, सूक्त वो कितने हैं, 1017 सूक्त साकल में है, बालखिल्य में 11 सूक्त है, और बासकल की अगर हम बात करें तो बासकल में 56 सूक्त है। लेकिन जो बासकल शाखा है वो अब उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो साकल और बालखिल्य है। वैसे आपसे पूछे कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 5 शाखाएं भी हैं, महत्वपूर्ण हम 3 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, साकल, बालखिल्य, बासकल। 2-3 बार साकल, बालखिल्य, बासकल, ऐसे आप याद रखोगे तो याद रहेगा। इसके बाद हम बात करें कि ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं, हम यहाँ पे मंडलों की बात करेंगे तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। अष्टक की बात करें, अष्टक वो कितने हैं, तो अष्टक 8 है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, सूक्त या सूक्तियों की बात करें तो सूक्त कितने हैं, यहाँ पे याद रखना 1017 और उसमें 11 जोड़ेंगे तो कितने सूक्त हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1028 सूक्त है। इसके बाद में छंद या मंत्रों की बात करें, मंत्र उनकी संख्या कितनी है, तो 10580। दोस्तों छंद या मंत्रों पे विभिन्न भिन्न विद्वानों को ले, विद्वान या विभिन्न भिन्न ग्रंथों में इनको लेकर के मतभेद है। कहीं कहीं पे 10580 मिलेंगे, कहीं कहीं पे 10462 मिलेंगे, 10452 मिलेंगे, 10542 भी मिलेंगे। तो आप ये डाटा याद कर लेना 10580। कमेंट करके ये मत बताना कि उस किताब में ऐसे लिखा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी किताबों का, तो मैं भी यहाँ 10 किताबों के नाम लिख सकता हूँ, पर उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपको परीक्षा में आने वाला भी नहीं है। जो फैक्ट है वो चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही तो फिर आप मेरे इसको कमेंट करके पूछ लेना। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे अब आगे थोड़ा सा, कि जो सूक्त होता है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है उत्तम युक्ति, उत्तम युक्ति। सूक्त का मतलब क्या होता है, उत्तम युक्ति होता है। एक जो सूक्त होता है उसमें 300 से लेकर के 300 मंत्र होते हैं, 300 से लेकर के 300 तक मंत्र होते हैं एक सूक्त में, और प्रत्येक मंत्र का जो प्रारंभ है, प्रत्येक मंत्र का जो प्रारंभ है ऋग्वेद में, वो अग्नि की स्तुति से होता था, अग्नि देवता की स्तुति से होता था। ये आप अच्छी तरह याद रखोगे। अब हम इसके बाद में हम याद करेंगे कि इन 10 मंडलों के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, ऋग्वेद के 10 जो मंडल हैं उनके बारे में। तो मैं थोड़ा सा इनको यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम ऋग्वेद के 10 मंडलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से यहाँ पे प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, जल्दी जल्दी, तृतीय मंडल, चौथा मंडल, पांचवा, षष्ठम या छठा मंडल, सातवां मंडल, आठवां मंडल, नवा मंडल और दसवां मंडल। यह याद रखोगे आप, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 10 मंडल तक आपको याद रखने। अब सबसे पहले बात करें कि द्वितीय मंडल से लेके 7 मंडल है वो सबसे प्राचीन है। क्या याद रखना है, 2 मंडल से लेकर के 7 मंडल तक सबसे प्राचीन मंडल है, तो इन्हें प्राचीन मंडल कहते हैं। इनकी रचना विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई, इसीलिए इन्हें ऋषि मंडल के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। विभिन्न ऋषियों ने इनकी रचना की थी ऋषि मंडल, और वे विभिन्न ऋषि कोई कोई वंश के थे, इसीलिए इन्हें वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं।
तो वंशमंडल, और इनके विभिन्न ऋषियों के कुछ न कुछ गोत्र भी थे, इसीलिए इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से जो मंडल है जिन्हें प्राचीन मंडल कहते हैं, कौन से मंडल है जिन्हें ऋषि मंडल कहते हैं, वंश मंडल कहते हैं और गोत्र मंडल कहते हैं। तो 2 से लेकर 7 तक के मंडल है प्राचीन मंडल, ऋषि मंडल, वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं कि जो पहला मंडल है प्रथम मंडल और जो दसवां मंडल है दसवां मंडल, ये दोनों हैं ये सबसे नवीन मंडल है। क्या है ये सबसे नवीन मंडल है? सबसे नवीन है, सबसे बाद के हैं, ठीक है, और 2 से लेकर 7 तक प्राचीन। अब यहाँ पे बात करें दूसरा जो मंडल है उसके रचयिता भार्गव है, तृतीय है उसके रचयिता विश्वामित्र है, विश्वामित्र। चौथा जो मंडल है उसका वामदेव है, वामदेव। पंचम का अति है, छठा है उसका भारद्वाज है, भारद्वाज। और सातवां है उसका वशिष्ठ। ये रचयिता है, संकलनकर्ता नहीं, संकलनकर्ता तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास है, बौद्ध की बात है वो। तो इनकी रचना किसने की? द्वितीय मंडल की भार्गव ने की, तृतीय मंडल विश्वामित्र ने की, चौथा मंडल वामदेव, पाँचवा अति, छठा भारद्वाज और सातवां वशिष्ठ। याद कर लोगे थोड़ा बहुत इतना तो, और मैं पहले का नहीं याद करने की कह रहा, 8वां 9वां 10वां किसने लिखा ये आपको याद नहीं करना, बस इतना सा याद कर लेना इनके बारे में। अब आपको देखना है कि सब थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, देखो आपको याद रखना है कि पहले 3 पे आपको बी याद रखना है, बी फोर भार्गव, बी फोर विश्वामित्र, बी फोर वामदेव, बी फोर भार्गव, बी फोर विश्वामित्र, बी फोर वामदेव। तो ये आपको एक बार ऐसे सेटल कर लेना, वी 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 मतलब ऐसे। उसके बाद में आपको क्या याद रखना, पाँचवा अति महत्वपूर्ण होता है, पंचम मतलब पाँचवा अति महत्वपूर्ण, तो अति बस इतना याद करना। फिर आपको छठा भारद्वाज और सातवा वशिष्ठ। और यहाँ पे आपको याद रखना कि जो तृतीय मंडल है वो विश्वामित्र का है, और गायत्री मंत्र, गायत्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र किसने उसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र ऋषि। और उन्होंने कौन से मंडल में? तृतीय मंडल में। तो आपको अच्छी तरह ऐसे याद रखना कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, सब ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? तृतीय मंडल से। किसने लिखा? विश्वामित्र ने लिखा, ठीक है। आगे बात करें चौथा मंडल, चौथा मतलब चतुर्थ, चारों ओर। अब चारों ओर में कैसे याद रहो, देख चारों ओर देखेंगे तो सबसे पहले बाएं देखेंगे, बाम से बाएं याद रखना, फिर दाएं देखेंगे, दय से दाएं याद रखना, तो वामदेव ऐसे करके याद करोगे। उसके बाद में हम बस में बैठते हैं और कहीं सफ़र पे जाते हैं, तो जैसे सिटी से बाहर निकलते हैं तो चारों ओर हमें क्या दिखाई देती है? खेती, मतलब कृषि दिखाई देती है चारों ओर। क्या दिखाई देती है हमें चारों ओर? कृषि दिखाई देती है। तो कृषि का वर्णन कौन सा में मिलता है? चौथे मंडल में कृषि का वर्णन मिलता है। कौन से में? चौथे मंडल में। अब कृषि का प्रथम जो आविष्कारक माना जाता है या प्रथम इंजीनियरिंग माना जाता है इंजीनियर, वो कौन को माना जाता है? पृथ्वीबेन, पृथ्वीबेन है, उन्होंने सबसे पहले कृषि की थी, ऐसी हमें जानकारी मिलती है। किस में? चौथे मंडल में। तो पृथ्वीबेन को भी आप याद रखना है। इसके अलावा तीन राजाओं ने सूक्त लिखे हैं, कौन से मंडल में है? चौथे मंडल में। चौथे मंडल में 3 राजाओं ने सूक्त लिखे हैं, ऐसे याद रखना। तो 3 राजाओं ने चौथे मंडल में सूक्त लिखे हैं, चौथे में ही है। पांचवा में आप याद रखना बस अत्रि ऋषि, छठा में भारद्वाज, सातवां में आपको एक बात याद रखनी है कि सातवां जो मंडल है उसके रचयिता वशिष्ठ है, और इन्होंने ये मंडल लिखा। और सातवें मंडल में हमें 10 राग युद्ध के बाद में जानकारी मिलती है। 10 राग युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो राजा सुदास जो भरत जन या त्रिशु जन का था, राजा सुदास, और 10 राजाओं का संघ जिसमें 5 आर्य 5 अनार्य थे, पुरुषणी या रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, राजा सुदास की विजय हुई थी। इस युद्ध में कौन कौन से आर्य थे, कौन कौन से अनार्य थे, और विश्वामित्र और वशिष्ठ को पुरोहित पद को लेकर के उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध हुआ था, जिसकी हम संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण अध्ययन करेंगे वैदिक कालीन जो ऋग्वेद काल है, और ऋग्वेद काल के राजनीतिक जीवन में,
तो यहाँ पे इतना याद रखना। आठवां बस आप वैसे याद रखना। नौवां में आपको याद रखना ये सोम को समर्पित है, नौवां मंडल है ये सोम को समर्पित है। और सोम एक पेय पदार्थ था, क्या था? पेय पदार्थ। और इंद्र का सबसे प्रिय पदार्थ या देवताओं का सबसे प्रिय पदार्थ कौन सा था? सोम। आपको कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना है अभी कि जो सोम है यह वृक्ष या यह जो औषधि थी यह कहाँ से प्राप्त होती थी, अर्थात कौन से पर्वत से प्राप्त होती थी, उस पर्वत का आपको नाम लिखना है, उस पर्वत की चोटी का आपको नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद में दसवां मंडल। दसवां मंडल में हम तीन सूक्तों के बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे। पहला जो सूक्त है हमारा वो यहाँ पे विवाह सूक्त है, विवाह सूक्त। उसके बाद में है नदी सूक्त और अंतिम है वो है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। तो हम ऋग्वेद के दसवें मंडल के तीन सूक्त है, ऐसे तो बहुत सारे सूक्त है परंतु जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है वो तीन है, विवाह सूक्त, नदी सूक्त और पुरुष सूक्त। आगे हम ऋग्वेद काल के सामाजिक जीवन में उनके विवाह, कौन कौन से विवाह होते थे, कौन कौन से मान्य थे, कौन कौन से अमान्य थे, वो ये विवाह सूक्त सूक्त में पढ़ेंगे। नदी, ऋग्वेद कालीन कितनी नदियाँ थी, कौन सी नदी पवित्र थी, कौन सी नदी अपवित्र थी, मतलब अपवित्र तो नहीं पर कौन सी नदी का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, गंगा का कितनी बार शब्द का उल्लेख हुआ, ये सब हम नदी सूक्त में तो ऋग्वेद काल में आगे पढ़ेंगे। पुरुष सूक्त के बारे में हम यही पढ़ेंगे कि ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है, चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। और वो कहते हैं कि एक विराट पुरुष था, कौन था? एक विराट पुरुष। और विराट पुरुष के बारे में ये कहा गया है कि उस विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई, अर्थात मानव शरीर के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा वर्णन हमें किसमें मिलता है? ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में। कहा जाता है कि मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, और भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, और कट यानी कमर से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। कहा जाता है कि नौवां मंडल में ये वर्णन है कि मैं वैद्य हूँ, मेरी माँ आटा पीसने वाली है ना, ऐसे तो हम मतलब एक ही परिवार के सदस्य हैं लेकिन मतलब अपने अलग अलग कर्म करते हैं इसलिए हमारा अलग अलग क्या है? वर्ण है, ठीक है। ऐसा तो हम ये मान सकते हैं कि प्रारंभिक वैदिक काल जो ऋग्वेद है उसमें हमें वर्ण व्यवस्था का बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये जो बाद के हैं दसवां मंडल और प्रथम मंडल तो हो सकता है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में ऐसी कल्पना की गई है। तो ये ऋग्वेद के बारे में था। अब हम अगला वेद पढ़ेंगे, वो वेद यजुर्वेद। और यजुर्वेद में भी आपको ऐसे याद रखना है सबसे पहले, इसी प्रकार हमें यहाँ याद रखना है कुछ और बाद में ऐसे, सभी वेदों को हम ऐसे ही पढ़ेंगे। यजुर्वेद के बारे में हम सबसे पहले बात करें तो यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक का नाम है शुक्ल यजुर्वेद और एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को बाजसनेही संहिता के नाम से भी जाना जाता है, बाजसनेही संहिता के नाम से भी किसे जाना जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को। शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य में लिखा गया है, कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य में लिखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र वेद यजुर्वेद है जो कि गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं या दो भाग है, एक का नाम है कणव और एक का नाम है मध्य डीन। क्या नाम है? मध्य डीन। कणव शाखा या मध्य डीन शाखा कौन सी है यजुर्वेद के? शुक्ल यजुर्वेद की, वाजसनेही संहिता। जबकि कृष्ण यजुर्वेद है उसकी चार शाखाएं प्रसिद्ध है। कितनी शाखाएं हैं? चार। जो पहली शाखा है वो है काठक, दूसरी कपिष्ठक, तीसरी है मैत्रायणी
और चौथी है तैत्रेय या तैत्रीय, तैत्रेय या तैत्रीय, ये इसकी हो गई। काठक, कपिष्टक, मैत्रायणी और तैत्रेय। अब कैसे याद करोगे, देखो आपको याद रखना है कृष्ण, यहाँ कृष्ण से हमें कृष्ण भगवान याद रखना है, ठीक है। कृष्ण भगवान का नाम आते ही हम क्या हो जाते हैं, गदगद, और जो कृष्ण भगवान के नाम से गदगद हो जाता है अर्थात उनका नाम किसी के काठक मतलब किसी के कंठ में बैठ जाता है, वो आदमी हो या कपि हो, कृष्ण भगवान का नाम जिसके कंठ में बैठ जाता है ना, तो अर्थात उसके नाम सुनते ही जो गदगद हो जाता है वो चाहे आदमी हो या कपि हो, वो कृष्ण भगवान का क्या बन जाता है, मित्र बन जाता है और इस बहुसागर से तैर करके उसका जीवन पार हो जाता है या उसकी नैया पार हो जाती है, ऐसा करके आप याद रखोगे। और यहाँ पे क्या शुकल यानी उजाला होता है, उजाला में हम ये नहीं पूछते कि कौन है, उजाले में हम ये नहीं पूछते कौन है, तो कर्ण हो गया। और क्यों नहीं पूछते, उजाला सबसे ज़्यादा कब होता है, मध्य दिन, मध्य दिन में होता है, पर आपको मध्य दिन याद रखना है जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद में यजुर्वेद की जो शाखाएं वगैरह हमने इधर पढ़ ली, अब हम बात करते हैं इसके विषय, यजुर्वेद के जो विषय है विषय के बारे में बात करेंगे। तो इसमें यज्ञ संबंधी क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप या हम कहें कर्म कांड, कांड के बारे में जानकारी मिलती है। यज्ञ संबंधी क्रियाकलाप या कर्म कांड की जानकारी जिस वेद से मिलती है उसे यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद के जो पुरोहित होता है, पुरोहित, उसे किस नाम से जाना जाता है, अधर्व्यु, अधर्व्यु के नाम से उसे जाना जाता है। इसे हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं अधर्व्यु, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो अधर्व्यु के नाम से इसे पुरोहित को जाना जाता है। यजुर्वेद में हम सबसे पहले ये बात करें कि यजुर्वेद में कुल अध्यायों की बात करेंगे, अध्याय, तो अध्यायों की संख्या 40 है। और यजुर्वेद में हम मंत्रों की बात करेंगे तो मंत्रों की संख्या 1990 है, कहीं कहीं 1800 और कुछ भी मिलते हैं, आप 1990 याद कर लेना, ठीक है। बहुत सारी किताबों में अलग अलग मिलेंगे, फिर मैं इसमें उलझना नहीं चाहता, ना ही आप लोगों को ज़्यादा उलझाना चाहता, बस 40 अध्याय हैं और इतने इसमें यह है, एकमात्र वेद है जो गद्य पद दोनों में लिखा गया है और ये इनकी शाखा है। सर ये याद करना जरूरी है कि, अब यह याद करना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनके जो ब्राह्मण हैं, इनके जो उपनिषद है, इनके जो आरण्यक है, वो भी तो याद करेंगे ना हम आगे, तब ये हमें याद करने में आसानी होगी, तो ऐसे आप याद रख लेना। अगला जो हमारा वेद है वो है सामवेद। अगला वेद कौन सा है, सामवेद। सामवेद को भी आप ऐसे कैसे याद करना, यहाँ पे हम लिखेंगे सामवेद। सामवेद में सबसे पहले बात करें तो इसे भारतीय संगीत का, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इनके हम विषय के बारे में जानकारी करें तो इनका जो विषय है वो है गायन, गायन संगीत, गायन या संगीत है। सारा गामा पाजा निशा ये सारी ये कहाँ से आए हैं, सामवेद से ही आए हैं। और सामवेद के जो पुरोहित है या ऋषि है उन्हें हम उद्गाता के नाम से जाना जाता है। उद्गाता मतलब गाने वाला, किसको गाने वाला, जो छंद है उनको लयबद्ध तरीके से गाने वाला, ऐसे। अब हम बात करेंगे, इसका विषय तो हो ही गया है ना, गायन मतलब, अब संगीत, अब लयबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से गाते थे ये, किसे गाते थे, छंद या मंत्रों को, मंत्रों को जो वैदिक देवता की स्तुति में यज्ञ के समय जो मंत्र बोले जाते थे, जो मंत्र या छंद बोले जाते थे उन्हें लयबद्ध तरीके से गाने वाले उद्गाता कहलाता है। इसकी भी जो शाखाएं हैं वो तीन हैं, आपको याद रखना है। पहली शाखा कोथुम शाखा है, कोथुम शाखा। दूसरी शाखा राणायनीय शाखा है और तीसरी शाखा जैमिनी है। तीसरी शाखा कौन सी है, जैमिनी है। सर ये याद करना जरूरी है कि, जरूरी है
आती है। अब याद भी हो जाएगी तो जरूरी क्यों नहीं है, जब याद हो रहा है तो याद कर लेते हैं। तो देखो कोथुम, आप ऐसे जब कोई मान लो गीत गाएंगे तो मतलब ऐसे नाचेंगे, मतलब ऐसे लय होगी तो कोथुम थुम कोथुम ऐसे आप याद करो, कल्पना करो उल्टी सीधी, मतलब कोथुम थुम कोथुम मतलब ऐसे, तो कोथुम होगी ऐसे, मतलब कोथुम थुम कोथुम ऐसे आप याद करोगे बचित्र रूप से, तो ऐसे एक मजा सा आएगा और आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में बड़ा रमणीय है, मतलब आपको लग रहा होगा बड़ा रमणीय दृश्य है, तो रमणीय राणानीय से आपको रमणनीय याद रखोगे, और रमणनीय बोलते बोलते राणानीय बोलने लग जाना है ना। और इसके जो रचयिताओं में आता है संकलन करता हूँ मैं, रचयिता जैमिनी है ना संकलन करता, इसीलिए मतलब। तो आपको बाद में हमें इसमें क्या याद रखना है, इसमें दो चीज़ और याद रखनी है, एक याद रखनी है कि इसके संकलन करता, संकलन करता कौन है, तो यहाँ पे एक तो जैमिनी ऋषि हो गए, जैमिनी ऋषि हो गए, और एक सुकर्मा, वह सुकर्मा सुकर्मा ऋषि, जैमिनी वह सुकर्मा ऋषि है जिन्होंने इसका संकलन किया था। अब सामवेद में हमें एक बात याद रखनी है, इसमें जो मंत्र है मंत्र उनकी संख्या 1549 है। सर यहाँ भी अलग अलग किताबों में अलग अलग, हाँ कोई बात नहीं, बस आप इतना याद रखना 1549 है, ये फैक्ट डाटा आज लिखवा रहा हूँ मैं, आप मतलब गूगल पे चेक करके मत लिखवा करो, बहुत सारी चीज़ बच्चे क्या करते हैं गूगल पे चेक करके, सर गूगल पे इतना दिया हुआ है, अरे भैया गूगल को तो हम भी पहले पढ़ाने से पहले थोड़ी अधूरा ज्ञान लेके आ जाते हैं, हम गूगल पे सारी जगह पे देखते हैं, बहुत सारी किताबें इकट्ठी करते हैं 10-10, 12-12, और उसके बाद में और एक निचोड़ निकालते हैं कि हाँ 10-10 साल हो गए पढ़ाते हुए, इसका उत्तर क्या सही होगा वो हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग विश्वास करना ऐसे। अब आप इसमें याद रखना कि 75 को छोड़कर, 75 मंत्रों को छोड़कर शेष कहाँ से लिए गए हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए। अब साहब ऋग्वेद से कितने लिए गए, तो 75 इसमें से हटा देंगे तो कितने बने बचेंगे, शायद 1474, ये कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए। तो ऐसा कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर आश्रित है, तो सामवेद पूर्णतः आश्रित वेद है या आधारित है, किसके ऊपर आधारित है, ऋग्वेद पर। तो ऋग्वेद पर आधारित पूर्णतः कौन सा है, सामवेद है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति या प्रार्थना के लिए मंत्र लिखे गए थे, उन मंत्रों को अब जो लयबद्ध रूप से गाते हैं वो सामवेद में। आ गई समझ में, आ गई गुरुजी। अगला वेद उसका नाम है अर्थवेद, अर्थवेद के बारे में बात करेंगे सब अब। अर्थवेद, अर्थवेद में हम यहाँ सबसे पहले बात करें तो इसके संकलनकर्ता अथर्व ऋषि और इनके शिष्य अंगिरस, अंगिरस जिन्हें कहीं कहीं पुस्तकों में इसे बताया गया है अर्थवा और उनके पुत्र अंगिरस, कहीं कहीं लिखा हुआ है अर्थव ऋषि और उनके पुत्र, ऋषि और उनके पुत्र अंगिरस ने इस वेद का संकलन किया था, इसीलिए इस वेद को अर्थवा अंगिरस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, अर्थवा अंगिरस के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा वेद अर्थवा अंगिरस के नाम से जाना जाता है, अर्थवेद। अब इसके महत्वपूर्ण है उपनाम, उपनाम इसके बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उपनाम में आपको याद रखना इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं, ब्रह्म वेद भी इसे कहा जाता है, इसे ब्रह्म वेद के अलावा मही वेद भी इसे कहा जाता है, मही वेद के अलावा इसे विषज वेद भी कहा जाता है, विषज वेद भी इसे कहा जाता है, इसके अलावा इसे छांदोग्य वेद भी, छांदोग्य वेद भी इसे कहा जाता है, लोकप्रिय वेद भी इसे कहा जाता है, लोकप्रिय वेद भी इसे कहा जाता है, और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ वेद, सर्वश्रेष्ठ वेद भी, सर्वश्रेष्ठ वेद भी किसे कहा जाता है, अर्थवेद को। साहब इतने सारे नाम इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो जानकारी मिलती है या जो इनका विषय है, हम विषय के बारे में बात कर लेते हैं, इनका जो विषय है वो है जादू टोना, जादू टोना, भूत पिशाच, पिशाच, वशीकरण, औषधिया, इलाज,
मौसम परिवर्तन और कृषि आदि का वर्णन मिलता है। तो इसका विषय देखो, जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, औषधि, इलाज, मौसम परिवर्तन, कृषि में लगने वाले रोग, उनका निवारण आदि की जानकारी इसमें मिलती है। तो जन सामान्य के काम आने वाला कौन सा है? जादू टोना, मंत्र, भूत पिशाच, जन सामान्य के काम आने वाले, जन सामान्य लोगों के काम आने वाला था, इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ या लोकप्रिय कहा जाता है। इलाज, कृषि वगैरह, ये वो तीनों जो वेद है, वो यज्ञ, धार्मिक देवताओं की स्तुति वगैरह, उनके काम आने वाला था। तो जन सामान्य के काम आने वाला यही था। इसकी दो शाखाएं महत्वपूर्ण है, एक जो शाखा है उसका नाम है शौनक शाखा और एक है पीपलाद शाखा। शौनक शाखा और पीपलाद शाखा, इसका जो पुरोहित है, पुरोहित वो ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्मा या कहीं कहीं आपको ब्राह्मण। तो इसका जो पुरोहित है वो ब्रह्मा या ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। अब अथर्ववेद में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ अन्य वेदों की तरह ही, कि अथर्ववेद में जो अध्याय हैं, अध्यायों की संख्या 20 है, 20 अध्याय हैं इसमें। अगर हम बात करें इसमें सूक्त कितने हैं या सूक्तियाँ कितनी हैं, तो 731 इसके अंदर सूक्त है। और मंत्रों की अगर हम बात करें, मंत्रों की या छंद की बात करें हम, छंद, तो आपको लगभग 6000 छंद हैं, 5986 याद रखना, कहीं कहीं 5676 या 5677 भी मिलेंगे, 5986 आपको याद रखना है, लगभग 6000 मंत्र है अथर्ववेद में। यह वही वेद है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसके बाद में तो ये चारों वेद थे जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब चारों वेदों के बाद में हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, तो आपको बस इतना याद रखना है कि अलग अलग जो वेद है उसके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, उनको हम एक यहाँ पर एक सारणी बना करके थोड़ी देर में मैं आपको याद कराऊँगा। उसके बाद में हम और भी याद करेंगे। इसके बाद में हम बात करें आरण्यक ग्रंथों की, तो आरण्यक के जंगल में एकांत में लिखे गए ग्रंथ है जिनका विषय रहस्यात्मक है, जिनका विषय दार्शनिक है, वे ब्राह्मण साहित्य के अंतिम भाग है। तो ये अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है उपनिषद, इसकी बात करना जरूरी है। उपनिषद, हम उपनिषद में भी ऐसे याद रखेंगे, उप प्लस नी प्लस सद, उप प्लस नी प्लस सद से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है निकट बैठना। ये तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया निकट बैठना। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना उपनिषद का अर्थ होता है। ठीक है साहब, उपनिषद का यह तो अर्थ हो गया। विषय क्या है? विषय तत्वमीमांसा, इसका जो विषय है वो है तत्वमीमांसा, अर्थात ब्रह्म, आत्मा प्लस परमात्मा, अर्थात हम इस तत्वमीमांसा ब्रह्मा प्लस आत्मा परमात्मा इनको मिलाकर के एक शब्द दे तो दार्शनिक विचारधारा का वर्णन मिलता है हमें किसमें? उपनिषदों में। उपनिषदों की हम यहाँ पे बात करें तो उपनिषद हैं, उनकी जो कुल उपनिषद वो 108 है। कुल उपनिषद कितनी है? 108। महत्वपूर्ण कितनी है? 12। कुल उपनिषद 108, महत्वपूर्ण कितनी है? 12। 12 में से भी अगर हम बात करें प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 10। क्यों है? क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने इन 10 पर क्या लिखा था? भाष्य लिखा था। इन 10 पर क्या लिखा? टीकाएं लिखी या भाष्य लिखा था, इसीलिए इन्हें प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है, इनमें से हम बात करें कि
कौन सी उपनिषद में सबसे बड़ी उपनिषद कौन सी है? बड़ी तो बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ी उपनिषद है। सबसे छोटी उपनिषद की बात करें तो मुंडको उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है। जबकि आगे बात करें सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये चारों आश्रम जावाली उपनिषद में उल्लेख मिलता है, यम नचिकेता संवाद कंठो उपनिषद में उल्लेख मिलता है। ऐसी बहुत सारे बातें हैं जो हम एक विविध, जैसे मान लो आगे कि श्वेत केतु या राहु केतु अग्नि का झंडा लेकर संपूर्ण पृथ्वी को जलाता हुआ या संपूर्ण धरातल को या पृथ्वी को जलाता हुआ आगे बढ़ता गया, सभी नदियों को जला दिया, लेकिन वह गंडक नदी के जल को नहीं जला पाया, अर्थात उनकी एक सीमा बन गई गंडक नदी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न भी आया था जो मैंने अभी बोला, मतलब अग्नि को जलाता हुआ, मतलब ऐसे। तो ऐसी ये सारी चीज़ें कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में हैं, ये सारा हम आगे अध्ययन करेंगे। एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें ऋग्वेदिक कालीन विविध तथ्य, विशेष तथ्य, अनछुए पहलू नाम से होगा। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत कुछ है अभी जो मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। अब आप मेरे साथ याद करोगे, एक सारणी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे याद करना बेहद ही जरूरी है। प्रमुख वेद, उनके पुरोहित, विषय, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में, उसके बाद में यजुर्वेद, उसके बाद में सामवेद और अथर्ववेद। ये चार वेद है, मैं आपको ऐसे लाइन से नहीं पढ़ाऊंगा, हम ऐसे पढ़ेंगे। पुरोहित की बात करें तो इसके जो पुरोहित वो होता था, तो ऋग्वेद का पुरोहित होता था, ऐसे याद रखना। सबसे पहले पुरोहित कहाँ होता था ऋग्वेद में, तो होता, या इसे हम कहें होतु, तो ये याद रख लेना आप। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है अधर्व्यु, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अधर्वयु, ऐसे भी आप लिख सकते हो। सामवेद का उद्गाता आप याद रखना, और अर्थवेद का या तो आप लिखोगे ब्रह्म या आप लिखा ब्रह्मा या ब्राह्मण, ऐसे आप याद रख लेना। विषयों की बात करें तो ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना या स्तुति बोल सकते हैं हम, प्रार्थना या स्तुति का वर्णन मिलता है। जबकि यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी क्रियाकलाप या हम कर्म कांड या बलि के बारे में कह सकते हैं, बलि के बारे में जानकारी मिलती है, आहुति जो दी जाती है ऋग्वेद में यज्ञ में उनके बारे में। सामवेद की बात करें तो इसका विषय गायन या संगीत है, संगीत या गायन से है, गायन आप याद रख लेना। और अथर्ववेद में हम इसका जो विषय है वो है भूत, पिशाच, जादू टोना, वशीकरण, फसल, कृषि, मौसम बदलना, औषधियाँ, रोग और उनका इलाज, ये सब किसमें है अथर्ववेद में, ये इसके विषय हो गए। उपवेदों की बात करें सबसे पहले तो आपको याद रखना कि आयुर्वेद पहले इलाज किससे होता था, पहले आदमी युद्ध नहीं लड़ा होगा, पहले वो बीमारियों से लड़ा होगा। सबसे पहले आदमी जब सभ्य बना होगा तो वो बीमार होता होगा, तो सबसे पहले उसने धनुष नहीं औषधियाँ ढूंढी होगी। तो आपको याद रखना आयुर्वेद। तो माना जाता है कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, कौन सा है आयुर्वेद है, लेकिन सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद है वो किसका है अर्थवेद का है। तो एक बात अच्छी तरह आप याद रखना कि सभी क्या मानते हैं आयुर्वेद, ऋग्वेद का क्या है उपवेद है, लेकिन सुश्रुत मानता है कि आयुर्वेद है वो किसका है अर्थवेद का है, एक अलग से नोटेड पॉइंट है ऐसे। आयुर्वेद, अब आयुर्वेदी औषधियाँ लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता, जंगलों में, तो वहाँ हिंसक जानवर होते तो क्या लेके जाओगे, धनुष
या आप याद रखना यज्ञ करेंगे, यज्ञ में कोई विघ्न ना डाले इसलिए हम धनुष लेकर सेनाएं वहां तैनात होती थी। तो यहां याद रखोगे धनुर्वेद, धनुर्वेद याद रखोगे आप तो धनुर्वेद कौन सा है, उपवेद यजुर्वेद का जो उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद, सामवेद गायन, गायन में आपको याद रखना है कि मतलब गंधर्व, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद किसका है, सामवेद का। और अर्थवेद में मतलब कृषि क्रिया कलाप जादू टोना बनाना मतलब ये चीज। तो यहाँ पे याद रखना शिल्प वेद, शिल्प वेद ये है। धन्वंतरी आयुर्वेद के रचयिता है ना, ऐसा विश्वामित्र जो यहाँ पे हो जाएंगे धनुर्वेद के रचयिता, ऐसे गंधर्व वेद के कौन है, शिल्प वेद के विश्वकर्मा हो गए है ना। तो ये इनके मतलब रचयिता वगैरह है। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ये चीज़ें हैं जितना ज़्यादा ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर बाद में। ये तीनों तो आपको आँख बंद करके भी याद रहनी चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं है। कैसे याद करोगे, तो बस इसका एक तरीका है जिससे हम अगर याद करें तो बहुत अच्छा है। आपको ऐसे याद रख सकते हैं, एक यहाँ आप याद रखो, एक यहाँ याद रखो मित्र, एक मित्र ऐसे याद रख सकते हो, सब रखना ही पड़ेगा आप कह रहे हैं तो ऐसे याद रखोगे। उसके बाद में एक मित्र कौन, जैमिनी, कौन है एक मित्र, जैमिनी। तो आपका एक मित्र जैमिनी है और वो गाय के रास्ते, गाय को लेकर रास्ते रास्ते जा रहा है, गाय को लेकर रास्ते रास्ते जा रहा है, ब्राह्मण ग्रंथ याद होगा। तो आपका एक मित्र ऐसे आपको याद रखना है, ऐत्रे, और कैसे आपको याद रखना है, कोशितिकी, ऐत्रे व कोशितिकी। अब कोशितिकी कोई संख्यायन कहते हैं, ऐत्रे व कोशितिकी ब्राह्मण ग्रंथ है, किसके हैं, ऋग्वेद के हैं। ऐत्रे ब्राह्मण अत्रा के पुत्र महिदास ने लिखा है। ऐत्रे ब्राह्मण में सबसे पहले पांच चीज़ों का वर्णन मिलता है। ऐत्रे ब्राह्मण में राजा की देवी उत्पत्ति का सबसे पहले सिद्धांत मिलता है। तो ये तो हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में अलग से जो विशेष तथ्य में पढ़ेंगे। अब आप मित्र से क्या याद रखोगे, यहाँ पे आपको दो चीज़ याद, यजुर्वेद की दो शाखाएँ हैं, शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में आपको पहले याद रखना है एक तो सतपथ, क्या याद रखना, सतपथ। तो सतपथ, सतपथ ब्राह्मण याद रखोगे, और फिर आपको मित्र से आपको याद रखना है मैत्रायणी, और तय से आपको याद रखना है तैत्रेय, तैत्रेय या तैत्रीय, मैत्रायणी तैत्रेय ऐसे। यहाँ जैमिनी हो गया जैमिनी, और जैमिनी ने छंदों को कैसे लिखा, गा गा करके लिखा जैमिनी ने छंदों को है ना। और ये जैमिनी कहाँ जा रहा है, गाय लेकर अपने रास्ते पे जा रहा है। तो आपको यहाँ रखना है गोपथ, क्या याद रखना है, गोपथ ऐसे। ब्राह्मण ग्रंथ याद करना है ऐत्रेय कोशिती की, कोशिती को शाखायन कहते हैं, मित्र से आपको मैत्रायणी या तैत्रेय, ये किसके हैं, शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद के। जबकि अगर बात करें शुक्ल यजुर्वेद के बारे में उसका कौन सा है, तो शुक्ल का है सतपथ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते आरण्यक में, तो सेम यही है, इसको ही लिखोगे आप ऐत्रेय या ऐत्रीय, और यहाँ पे कोशिती की, कोशिती की लिख दो वापस, और यहाँ पे भी ऐत्रेय व कोशिती की लिखोगे, कोशिती की। तो आपको क्या लिखना है, बस आपको याद रखना है कि ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कोशिती की है, फिर बाद में सैम सैम मतलब ऐत्रेय कोशिती की ऐत्रेय। तो ये एक ही है, इसमें एक ही, बस एक याद रखना है, एक एक ब्राह्मण ग्रंथ, एक आरण्यक, एक उपनिषद। एक का मतलब ऐसे ऐत्रेय और कैसे कोशिती की, और मित्र से फिर आपको याद मैत्रायणी तैत्रेय। तो आप यहां भी क्या याद रखोगे, मैत्रायणी और तैत्रेय याद रखोगे, और यहां पे भी आपको क्या याद रखनी, उपनिषद में भी मैत्रायणी याद रखनी है, तैत्रेय भी आपको याद रखनी है। तो यहां पे आपने तीन याद रखे, यहां दो और यहां सात याद रखने, सब सात तो याद नहीं रहे और रहेंगे, मैत्रायणी और तैत्रेय तो हमने ऐसे याद रखे। फिर आप रखोगे कि बृहदकंठ, आप क्या रखोगे, बृहद, फिर लिखो आप कंठ है ना, बृहद कंठ है ना, किसके,
श्वेत, बृहदकंठ कैसे हैं, सफेद है, तो कितने हो गए, एक दो तीन चार और पांच, है ना। बृहदकंठ श्वेत है, किसके, ईश्वर के, किसके, ईश्वर के, है ना। बृहदकंठ श्वेत है ईश्वर के, कौन से ईश्वर के, महान नारायण। तो ये उपनिषद है, सात सात उपनिषद है, किसकी उपनिषद है, यजुर्वेद की। कौन कौन सी है, मैत्रायणी, तैत्रेय, बृहदारण्यक उपनिषद, कंठ उपनिषद, श्वेत उपनिषद, ईश उपनिषद, महानारायण उपनिषद। ये आप ऐसे साहब दोबारा बताना कैसे याद करेंगे, देखो ऐसे याद करें, मित्र मित्र मित्र, है ना। बस आपको इतना सी याद रखना है कि इसमें सात मित्र में शपथ दिलानी है, तो सतपथ, सतपथ शपथ दिलानी है, कौन दिलाएगा, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ग्रंथों में सतपथ और याद रख लेना। उसके बाद मैत्रायणी तैत्रेय, और या मैत्रायणी तैत्रेय तो आएगा ही आएगा, है ना। मित्र तो है ही, कौन है मित्र, बृहद कंठ वाला मित्र है हमारा, जो हमारी इतनी प्रशंसा करता है कि उसके कंठ क्या है, बृहद है, तो बृहद कंठ, और कैसे है, नीला नहीं है, सफेद कंठ है, वो ईश्वर है हमारे लिए, कौन, महानारायण है वो। ऐसे करके याद कर लेना, जैसे भी आपको याद हो जाएंगे। जैमिनी याद रखना है पहले तो, कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, जैमिनी। अब एक आपको याद रखना है, पंचविश, पंचविश याद रखना है, और षष्ठ विश भी आपको याद रखना है, पंचविश, षष्ठविश, जैमिनी, और भी है, पर आप बस इतना, ये मैन मैन है, ये याद रखना, पंचविश, षष्ठविश और जैमिनी। यहाँ पे आगे क्या याद रखोगे, छांदोग्य, छांदोग्य और जैमिनी, छांदोग्य और जैमिनी याद रखना है, पंचविश, षष्ठविश और जैमिनी, है ना ये। और यहाँ पे छांदोग्य और जैमिनी, मतलब छंद लिखे थे, सामवेद आ गया, और यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, छांदोग्य और जैमिनी, जैमिनी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जैमिनी, यहाँ पे जैमिनी, यहाँ पे जैमिनी, यहाँ मैत्रायणी, 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 तैत्रेय, 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 ऐत्रेय, 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 कोशिति, 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 मतलब दिमाग लगाओ, बहुत आसान है अगर आप याद करें तो। अब बस यहाँ पे आप याद रखना, कैन, कैन, है ना, कैन बस यहाँ है, और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में गोप, अर्थवेद, अर्थवेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है एकमात्र, कौन सा, गोपथ है, इसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके उपनिषद की, तो आपको याद रखना है, मांडुक्य, प्रसन और मुंडक, मांडुक्य, प्रसन और मुंडक, मांडुक्य, प्रसन और मुंडक, कैसे याद करोगे, अर्थवेद, अर्थवेद में आपको याद रखना है कि भाई अर्थ, पैसे कब आएंगे, जब आप नौकरी लगोगे, नौकरी कब लगोगे, जब आप प्रश्न याद करोगे, प्रश्न याद कब करते हैं, मुंह से, मतलब बोलोगे, रटोगे, पढ़ोगे, है ना। तो मुंडक, और कब, जब मुंड में, मांडुक के अपने माथे में बैठेंगे जब, तो यहाँ पे याद रखना, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, प्रश्न या ऊपर मांडुक के माथे में, प्रश्न आया कहाँ से आया, मुँह से आया, प्रश्न तो मुँह से करेंगे हम, ऐसे कुछ भी याद कर लेना। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, तो आगे हम पढ़ेंगे फिर आगे ऋग्वेदिकालीन, जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।